और पप्पू पेड़ा के नाम पर बच्चों को खिलाया जा रहा है मीठा जहर। किराना व्यापारी के गोदाम में पुलिस ने मारा छापा। किराना व्यापारी शासन और प्रशासन की उड़ा रहे धज्जियां। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लकुश नगर गल्ला मंडी में किराना व्यापारी के यहाँ खाद्य विभाग की कार्यवाही से हड़कंप मच गया। लकुश नगर किराना व्यापारी मूलचंद गुप्ता के गोदाम में भारी मात्रा में छोटे बच्चों को खिलाने वाली मिठाई, बर्फी और पप्पू पेड़ा लड्डू सालों से रखे हुए मिले, जो पूरी तरह खराब हो चुके थे, जिनकी एक्सपायरी डेट 2017 की थी। साथ ही खाद्य सामग्री का कोई भी बिल प्राप्त नहीं हुआ, जिससे व्यापारी शासन को लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे। इस व्यापारी के यहाँ मलाई की बर्फी, पेड़ा लड्डू मिले हैं, जिन्हें खतरनाक केमिकल से बनाया जाता है, जिनकी खराब होने की एक समय सीमा रहती है, जो खराब होने के बाद मीठा जहर बन जाते हैं। पर कुछ स्वार्थी किराना व्यापारी लड्डू, पेड़ा, बर्फी के नाम पर मीठा जहर खिला रहे हैं। अब देखना होगा कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को मीठा जहर खिलाने वाले व्यापारी पर ठोस कार्रवाई की जाती है या नहीं। ये कितने माल इस तरह के एक्सपायरी रखे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ नहीं रखना चाहिए ना आपको? वो तो आप अलग ही सर रखेगा। मतलब जो भी चीजें हैं ये नहीं रह गई, तो नहीं आने बाकी जो होगा आज जो लगी कम फाइल में लेता हूँ, वो लेके आइए।